बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू ब्रहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का इस्तकबाल है। मैं हूँ आपकी मौलिमान सारी अस्मा रुकैया मोहम्मद कैस। आज का हमारा मजमून है साइंस, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास मुंबई की जानिब से पेश किया जा रहा है ये लेसन। मैं हूँ आपकी मौलिमान सारी अस्मा रुकैया मोहम्मद कैस। जनरल साइंस सातवीं जमात के लिए आज हम मजमून साइंस पढ़ने वाले हैं। आपकी किताब का नाम है जनरल साइंस सातवीं जमात। इस सबक का चैप्टर नंबर 12 इंसानी उजलात और हजमी निजाम, ये सबक हम पढ़ेंगे। नंबर 12, द मस्कुलर सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। सबक नंबर 12, इंसानी उजलात और हजमी निजाम। इस सबक का हम हिस्सा एक देखने वाले हैं। इस सबक को पढ़ने के बाद आपको क्या हासिल होगा, आपके आमोजिश के महसूल क्या होंगे, उसके बारे में देख लेते हैं। तो बच्चों, आप इस काबिल हो जाओगे कि बता सको उजलाती निज़ाम किसे कहते हैं, उजलात और हड्डियों का आपस में क्या ताल्लुक है, उजलात किस तरह हरकत करते हैं, अफ़आल के लिहाज से उजलात की कितनी किस्में हैं, बनावट के लिहाज से उजलात की कितनी किस्में हैं, हमें उजलात की हिफाजत किस तरह करनी चाहिए। इन तमाम सवालात के जवाबात हम जान जाएंगे, हमें मालूमात हासिल हो जाएगी इंशाल्लाह। तो चलिए सबक शुरू करते हैं। याद कीजिए बच्चों के अजवी निज़ाम किसे कहते हैं। अजवी निज़ाम बोले तो हमारे आज़ा का जो निज़ाम है वो किसे कहते हैं। तो आज़ा का ऐसा ग्रोह जो जिस्म का कोई एक फेल अंजाम दे, अजवी निज़ाम कहलाता है। कोई भी एक काम अंजाम देने वाला आज़ा का ग्रोह अजवी निज़ाम कहलाता है। जिस्म में हड्डियाँ एक दूसरे से किस तरह जुड़ी होती हैं, है ना, हमारे जिस्म में, हमारे बॉडी में जो बोन्स हैं वो एक दूसरे से किस तरह जुड़ी हुई है। तो जिस्म में तमाम हड्डियाँ जो है हमारी, वो मुख्तलिफ जोड़ों की मदद से जुड़ी हुई होती हैं। अब आप लोगों को बच्चों एक एक्टिविटी करना है। अपने हाथ की मुट्ठी मजबूती से बंद करके हाथ कोहनी से मोड़िए, दूसरे हाथ की उंगलियों से बालाई बाजू दबा कर देखिए, आप क्या महसूस करते हैं। देखिए, पहलवान लोग जो है जब अपनी बाइसेस बताना होती है ना, तो वो लोग क्या करते हैं, अपने हाथ की मुट्ठी को मजबूती से बंद करके हाथ को कोहनी से मोड़ते हैं। तो हम देखते हैं कि उनकी जो बाइसेप्स होती हैं, हाथ के बाजू का जो बालाई हिस्सा है वो उभरा हुआ महसूस होता है, सख्त महसूस होता है। जैसे आप देखिए यहाँ तस्वीर में, हाथ की मुट्ठी को बंद करके जब हम हाथ कोहनी से मोड़ेंगे तो यहाँ का जो उजला है, जो गोश्त है, वो क्या हो जाएगा, वो सख्त हो जाता है। तो गोश्त का ये उजला जो है वो क्या कहलाता है, ये गोश्त का हिस्सा उजला कहलाता है, मसल्स कहलाती हैं। जिस्म की मुख्तलिफ हरकत के दौरान उजलात सुकड़ते और फैलते हैं। देखिए यहाँ पे आपको अंदरूनी तस्वीर दिखाई गई है। जब हम अपना हाथ कोहनी से मोड़ते हैं तो मसल्स में, उजलात में किस तरह फैलाव और सुकड़ाव होता है वो आपको इस GIF की मदद से बताया गया है। तो बच्चों, मसल्स का मतलब होता है ज़रूरत के मुताबिक सुकड़ने और फैलने वाला बेशुमार रेशों का ग्रोह, मसल्स या उजला कहलाता है। तो आपको याद रखना है कि ज़रूरत के मुताबिक हम जो भी काम करते हैं, हमारे मसल्स जो हैं वो सुकड़ते और फैलते रहते हैं, और यही जो मसल्स के सुकड़ने और फैलने का जो रेशों का ग्रोह है, जो गोश्त है, वो क्या कहलाता है, उजला कहलाता है, मसल्स कहलाता है। आपको ये याद रखना है।
बताइए तो भला, उजलात और हड्डियों का आपस में क्या ताल्लुक है? हमारे जिस्म में, हमारे बॉडी में उजलात हैं बहुत सारे, बहुत सारी हड्डियां हैं, दोनों आपस में जुड़ी हुई होती हैं, है ना? तो उसका क्या ताल्लुक है वो आपको बताना है। तो उजलात जो है हड्डियों से, देखिए यहाँ पे जो आपको ऑरेंज कलर का दिखाई दे रहा है, ये उजलात है, मसल्स हैं, और ये बोन्स हैं हमारे हाथों की, ठीक है? तो उजलात जो है वो हड्डियों से वित्र के जरिए जुड़े हुए होते हैं। उजलात देखिए, ये उजला है, ये बोन्स है, तो ये हड्डियों से किसके जरिए जुड़े होते हैं? देखिए ये जो पार्ट है उसे कहेंगे वित्र, इंग्लिश में कहेंगे हम टेंडन। तो उजलात हड्डियों से वित्र टेंडन के जरिए मजबूती से जुड़े हुए होते हैं। उजलात सुकड़ते हैं तो जोड़ में हरकत होकर हड्डियां एक दूसरे को करीब आती हैं। देखिए यहाँ पे जब हर हाथ की हरकत, जब को हम हाथ कोहनी से मोड़ेंगे तो उजलात जो है वो सुकड़ेंगे और हड्डियां एक दूसरे के करीब आती हैं, और जब हम हाथ फैलाएंगे तो उजलात भी फैलते हैं, तो क्या होता है, हड्डियां एक दूसरे से दूर जाती हैं। इसी तरह बच्चों, जब हम हमारी आंखों की हरकत करते हैं, हमारे पपोटे बंद खोल करते हैं, तो पपोटे बंद करने की जो छोटी सी हरकत है वो भी जो है वो हमारे उजलात की वजह से मुमकिन होती है। हमारे उजलात जब काम करते हैं उसी वजह से हम आंखें जो है वो बंद करके खोल सकते हैं, हमारे पपोटों में हरकत होती है। यहाँ तक के जो कुल्हाड़ी के जरिए लकड़ी फोड़ने जैसी कुवत वाली हरकत भी, ये हमारे किसकी वजह से मुमकिन है, उजलात की वजह से ही मुमकिन है ना? बोलना, हंसना, चलना, कूदना, किसी शय को फेंकना जैसी जितनी भी मुख्तलिफ हरकत हम डे टू डे लाइफ में करते हैं, वो सब हम उजलात का इस्तेमाल करके करते हैं। हमारे उजलात काम करते हैं, इसी वजह से हम ये तमाम हरकत कर पाते हैं। तो हमारी तमाम किस्म की हरकत का जिम्मेदार कौन होता है? उजलात होते हैं। तो उजलात ही जो है वो तमाम हरकत के जिम्मेदार हैं। हरकत नहीं होगी तो उजलात फैले रहेंगे, हरकत होगी तो उजलात सुकड़ते हैं। उजलात जो है वो हमारे जिस्म के तमाम हिस्सों में पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पे पूरे जिस्म के उजलात आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। तो उजलात ये जो पूरे रेड कलर की जो आपको दिखाई दे रहे हैं रेशेदार अशिया जो है, ये उजलात है, ये हमारे बॉडी में पूरे हर जगह पाए जाते हैं। इंसान के जिस्म की नशोनुमा के साथ ही उजलात की भी नशोनुमा होती है। बच्चा जब पैदा होता है और उसके बड़े होने तक, जवान होने तक, जैसे जैसे बच्चे की नशोनुमा होती है तो उजलात की भी नशोनुमा होती है। उजलात हड्डियों से वित्र के जरिए मजबूती से जुड़े हुए होते हैं। देखिए यहाँ पे जो उजलात है वो तमाम हड्डियों से वित्र यानी टेंडन के जरिए मजबूती से जुड़े हुए होते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि जो मसल्स है वो हमारे बॉडी में पूरे हर तरफ पाए जाते हैं, और हमारे जिस्म की नशोनुमा जैसे जैसे होती है वैसे वैसे उजलात की भी नशोनुमा होती है। गौर करें, हमारे जिस्म में ऐसे कौन से अज़ा हैं जो सिर्फ उजलात के जरिए बने हैं, जो सिर्फ मसल्स के जरिए बने हैं, जो सिर्फ गोश्त के हैं, है ना, जिसमें हड्डी बिल्कुल नहीं है? तो हमारे जिस्म में ऐसे बहुत सारे अज़ा हैं जो उजलात से बने हैं। देखिए यहाँ पे आप लोगों को एक तस्वीर में बताया गया है। हमारे जिस्म में हार्ट, डाइजेस्टिव ऑर्गेन्स, है ना, जो डाइजेस्टिव सिस्टम में हिस्सा लेने वाले जो ऑर्गेन्स हैं उसे कहेंगे डाइजेस्टिव ऑर्गेन्स। टंग एंड ब्लड वेसल्स आर मेड अप ऑफ ओनली मसल्स। हमारे बॉडी में, हमारे जिस्म में दिल, निज़ाम इन्हिज़ाम के जितने भी अज़ा हैं, जबान, और जो ब्लड वेसल्स है, जो खून की नालियां हैं, ये तमाम चीजें जो है वो किससे बनी हुई हैं? मसल से बनी हुई हैं, उजलात से बनी हुई हैं। तो ये आपको याद रखना है, ये तीन तमाम चीजें जो है वो सिर्फ और सिर्फ मसल से बनी हुई हैं। हार्ट, डाइजेस्टिव ऑर्गेन्स, टंग एंड ब्लड वेसल्स।
क्या आप जानते हो बच्चों के हमारे जिस्म में 600 से ज्यादा उजलात पाए जाते हैं। किसी भी ह्यूमन बॉडी में, इंसान के जिस्म में 600 से ज्यादा उजलात पाए जाते हैं। मसल्स हैं इतनी सारी। बालिग वो तंदुरुस्त शख्स के जिस्म में तकरीबन 40% वजन उजलात का होता है ना। हमारे बॉडी में 40% वजन किसका होता है? हमारी मसल्स का होता है, उजलात का होता है। इंसान के चेहरे में तकरीबन 30 उजलात होते हैं। देखिए, आपको तस्वीर में बताया गया है, ये इंसानी चेहरा है। इतने छोटे से चेहरे में 30 किस्म के उजलात पाए जाते हैं, जिनकी हरकत से खुशी, गम, खौफ जैसे बेशुमार जज्बात का, इमोशंस का इजहार होता है। यही उजलात जो है वो हमारे चेहरे पर इमोशंस पैदा करने की वजह बनते हैं। इनकी वजह से ही हम खुशी, गम, खौफ, डर, है ना, इन इमोशंस का हम इजहार कर पाते हैं। हमारे सर, मुंह, नाक के अतराफ छोटे उजलात दायरे की शक्ल में पाए जाते हैं। देखिए, हमारे सर में और हमारे मुंह में, होठों पर, नाक पर जो है वो जो उजलात है वो दायरे की शक्ल में पाए जाते हैं। इन छोटे उजलात की वजह से ही हमारे चेहरे पर मुख्तलिफ जज्बात नजर आते हैं। इन छोटे छोटे मसल्स की वजह से ही हमारे जिस्म पर मुख्तलिफ इमोशंस दिखाई देते हैं। बताइए तो भला, क्या हमारे जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा में एक ही किस्म के उजलात पाए जाते हैं क्या? तो ऐसा नहीं है बच्चों। हमारे जिस्म में मुख्तलिफ अज़ा के उजलात बनावट के लिहाज से एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। मुख्तलिफ अज़ा के उजलात जो है वो मुख्तलिफ होते हैं, है ना। अभी इस सवाल का जवाब आपको आगे तफसील से पता चलेगा। अभी इतना जान लो कि हमारे जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा में मुख्तलिफ किस्म के उजलात पाए जाते हैं, उनकी बनावट के लिहाज से वो उजलात होते हैं। अफ़आल के लिहाज से उजलात की किस्में अब हम देखने वाले हैं। टाइप्स ऑफ मसल्स अकॉर्डिंग टू फंक्शन, उनके काम की वजह से उजलात की कितनी किस्में की गई हैं वो हम यहाँ देखेंगे। तो उजलात की अफ़आल के लिहाज से दो किस्में की गई हैं, उनके काम के लिहाज से उन्हें दो ग्रोहों में बांटा गया है। पहला है इरादी उजलात, दूसरा है गैर इरादी उजलात। इरादी उजलात को हम कहेंगे वॉलेंट्री मसल्स और गैर इरादी उजलात को कहेंगे इनवॉलेंट्री मसल्स। देखिए, यहाँ पे हम इरादी उजलात देखेंगे। वॉलेंट्री मसल्स किसे कहते हैं? जो उजलात हमारी ख्वाहिश या मर्जी से काम करते हैं इन्हें इरादी उजलात कहते हैं। जो हमारी ख्वाहिश पर, यानी हम चाहते हैं, हमारी मर्जी होती है तभी वो काम करते हैं, उन्हें वो इरादी उजलात कहते हैं, उन्हें वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। मसलन हाथ और पैर की हरकत में मदद देने वाले उजलात, जैसे हमें उठना है, बैठना है, चलना है, तो हमारे हाथों पैरों की जो मसल्स हैं, उजलात हैं, वो क्या काम करते हैं? हमारी मर्जी के मुताबिक काम करते हैं और हम जहाँ चाहते हैं वहाँ चल के जाते हैं, जो चीज़ चाहें उठा सकते हैं। तो ये जो है वो इरादी उजलात होते हैं, जो हमारे हाथ और पैरों में होते हैं, जो हमारी मर्जी, हमारी ख्वाहिश के मुताबिक काम करते हैं। गैर इरादी उजलात, इनवॉलेंट्री मसल्स, जो उजलात हमारी ख्वाहिश या मर्जी के मुताबिक अफाल अंजाम नहीं देते उन्हें गैर इरादी उजलात कहते हैं। तनफ्फुस, निज़ाम इन्हिज़ाम, दौरान खून जैसे अहम अफ़ाल ज़िंदगी के लिए बेहद ज़रूरी होते हैं, लेकिन इन अफ़ाल का इन्हिसार हमारी मर्जी पर नहीं होता। मसलन मैदा, आँतें, दिल और फेफड़े। तो जो उजलात हमारी ख्वाहिश या हमारी मर्जी के मुताबिक काम नहीं अंजाम देते उन्हें हम कहेंगे गैर इरादी उजलात, इनवॉलेंट्री मसल्स, है ना। जैसे देखिए, यहाँ पे दौराने खून, हमारे दिल की जो हरकत होती है, दिल जो खून साफ करता है, तो ये हमारे बस में नहीं होता, ये हमारे ख्वाहिश पर नहीं होता, बल्कि
दिल जो है वो जब से बच्चा पैदा होता है उसके मतलब पैदाइश से कबल से ही दिल की जो है वो हरकत शुरू हो जाती है, दिल अपना काम करना शुरू कर देता है जब तक मौत नहीं आ जाती। तो इसमें दिल के उजलात के काम करने में हमारी मर्जी ख्वाहिश का कोई भी दखल नहीं होता। तो हम इस उजले को कहेंगे इनवॉलेंट्री मसल्स। इसी तरीके से जो हमारे निज़ाम इन्हिज़ाम के जो उजलात हैं वो भी काम करते रहते हैं, वो हमारी मर्जी के पाबंद नहीं होते। इसी तरीके से जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, अमल तनफ्फुस का निज़ाम है, वो भी मुसलसल चलता ही रहता है। अगर सांस लेना बंद कर देंगे तो जाहिर है हम मर जाएंगे, है ना। तो ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये हर वक्त काम करता रहता है। इसी तरीके से जो हमारे पेशाब होती है उसको साफ करने का जो गुर्दे के अंदर अमल होता है वो भी मुसलसल चलता ही रहता है। इसी तरीके से जो बैजा दान होता है वहाँ पर भी बैजा बनने का जो अमल होता है वो हमेशा चलता ही रहता है। तो बच्चों, जो अजलाद हमारी ख्वाहिश या मर्जी के मुताबिक अपना काम अंजाम नहीं देते उन्हें गैर इरादी अजलाद कहते हैं। तनफ्फुस, इन्हिज़ाम, दौरान खून जैसे अहम अफ़ाल जो है वो हमारे ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और ये अफ़ाल जो है बग़ैर हमारी ख्वाहिश के अमल करते हैं, और इन अफ़ाल का इन्हिसार हमारी मर्ज़ी पे नहीं होता, है ना। जैसे हमारे जिस्म में मैदा है, स्टमक है, आते हैं, इंटेस्टाइन, हार्ट और जो फेफड़े हैं, तो ये तमाम जो है वो अपनी मर्ज़ी से काम करते हैं, हमारी मर्जी के मुताबिक काम नहीं करते। इन्हें हम कहेंगे इनवॉलेंट्री मसल्स। बच्चों, बनावट के लिहाज से उजलात की किस्में, टाइप्स ऑफ मसल्स अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। उजलात की तीन किस्में हैं, उनकी बनावट के लिहाज से। पहली है कालबदी उजलात, दूसरी है कल्बी उजलात और तीसरी है हमवार उजलात। कालबदी उजलात को हम कहेंगे स्केलेटल मसल्स, कल्बी उजलात को हम कहेंगे कार्डियक मसल और हमवार उजलात को हम कहेंगे स्मूथ मसल्स। देखिए, अब हर एक के बारे में तफसील से आगे पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, बनावट के लिहाज से उजलात की किस्में हमने देखे, तीन किस्में हैं, टाइप्स ऑफ मसल्स, स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल, स्मूथ मसल। देखिए, यहाँ पे आप लोगों को उसको तस्वीर के जरिए बताया गया है। स्केलेटल मसल्स जो हमारी हड्डियों से जुड़ी हुई मसल्स होती हैं वो स्केलेटल मसल्स कहलाएंगी। कार्डियक मसल जो हमारे दिल, हमारे हार्ट में जो उजलात जो मसल्स होती हैं वो कार्डियक मसल कहलाएंगी। और स्मूथ मसल जो हमारे दिल के अलावा जिस्म के दूसरे अंदरूनी अज़ा में पाए जाते हैं उसे स्मूथ मसल कहते हैं। जैसे गिजाई नाली, खून की नाली, मैदा, आंत वगैरह की जो मसल्स हैं वो स्मूथ मसल्स कहलाती है। देखिए, यहाँ पे आपको पूरे इंसानी जिस्म में ये मसल्स कहाँ होती हैं वो बताया गया है इस तस्वीर में। देखिए, स्केलेटल मसल्स जो हमारी हड्डियों से जो मसल्स जुड़ी हुई होती हैं उसे हम कहेंगे स्केलेटल मसल्स। जो हमारे दिल की उजलात होते हैं, जो दिल हमारा जिस मसल से बना होता है उसे हम कहेंगे कार्डियक मसल। और जो हमारे अंदरूनी अज़ा होते हैं जैसे निज़ाम इन्हिज़ाम में मैदा, छोटी आंत, बड़ी आंत, खून की नालियाँ, रहम वगैरह, यूटेरस वगैरह, तो उन उजलात के जो मसल्स हैं वो कहलाएंगी स्मूथ मसल्स। बच्चों, अब हम स्केलेटल मसल के बारे में तफसील से मालूमात हासिल करेंगे। स्केलेटल मसल्स कालबदी उजलात जो हमारे हाथों पैरों में होते हैं। अब इसकी तारीफ हम देख लेते हैं। जो उजलात हड्डियों के ढांचे को जोड़ कर रखते हैं और जिस्म को एक खास शक्ल देने का फेल अंजाम देते हैं उन्हें कालबदी उजलात कहते हैं। ये उजलात हड्डियों को मजबूती से पकड़े रहते हैं। अफाल के लिहाज से ये इरादी उजलात हैं, ये हमारे इरादे के मुताबिक काम करते हैं। कालबदी उजलात के सिरे दो मुख्तलिफ हड्डियों से जुड़े होते हैं, मसलन हाथ और पैर के उजलात।
ना, जो उजलात हड्डियों के ढांचे को जोड़ कर रखते हैं और जिस्म को एक खास शक्ल देने का खेल अंजाम देते हैं, उसे हम कहेंगे स्केलेटल मसल्स। आपको तस्वीर में दिखाया गया है, देखिए हड्डियों को जोड़ कर रखने का काम करते हैं और हमारे बॉडी को, हमारे जिस्म को एक खास शेप देते हैं, शक्ल देते हैं, जैसे हमारे हाथों और पैरों के उजलात, तो उसे हम कहेंगे स्केलेटल मसल्स। और स्केलेटल मसल्स जो है वो वॉलेंट्री मसल्स होते हैं, ये हमारे मर्जी के मुताबिक काम करते हैं, इसलिए ये वॉलेंट्री मसल्स यानी इरादी उजलात होते हैं। दूसरे किस्म के बारे में हम पढ़ेंगे, कार्डियक मसल्स, कल्बी उजलात। देखिए बच्चों, आप लोगों को यहाँ पर दिल बताया गया है, दिल आपके सामने है, दिल के जो उजलात होते हैं वो कहलाते हैं कार्डियक मसल्स, कल्बी उजलात। उर्दू में दिल को कहते हैं कल्ब, और कल्ब से बना है कल्बी, तो दिल के जो उजलात होते हैं वो कहलाते हैं कल्बी उजलात। इन उजलात की वजह से दिल मुसलसल फैलता और सिकुड़ता है, इसे दिल का धड़कना कहते हैं, है ना। दिल हमारा मुसलसल हरकत करता है, फैलता और सिकुड़ता है, इसे हम दिल का धड़कना कहते हैं। ये उजलात गैर इरादी होते हैं, दिल की हरकत हमारे बस में होती है, हम उस पर कंट्रोल कर पाते हैं क्या, नहीं, ये गैर इरादी होते हैं, इन वॉलेंट्री मसल्स होते हैं। दिल 1 मिनट में तकरीबन 70 मरतबा धड़कता है। बच्चों, आप लोगों को याद रखना है कि हमारा दिल जो है वो 1 मिनट में तकरीबन 70 मरतबा धड़कता है। किस्म हम देखेंगे, हमवार उजलात, स्मूथ मसल्स। दिल के अलावा जिस्म के दूसरे अंदरूनी अज़ा में ये उजलात पाए जाते हैं, इनकी हरकत गैर इरादी होती है। ये उजलात जो है वो इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं, है ना। ये जो मसल्स हैं ये इनवॉलेंट्री हैं, मतलब इन पर हमारा कोई जोर नहीं होता, कोई हमारी मर्जी नहीं चलती, ये गैर इरादी तौर पर हरकत करते रहते हैं। ये हरकत सुस्त होती है, मैदा, आंत, खून की नालियां, रहम में हमवार उजलात पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, हमारे स्टमक में, हमारे इंटेस्टाइन में, हमारे ब्लड वेसल्स में और हमारे यूटेरस में ये उजलात जो है वो पाए जाते हैं। ये उजलात हमारे जिस्म में अहम अफाल अंजाम देते हैं, जैसे तनफ्फुस, गिजाई नाली की हरकत वगैरह। देखिए आपको तस्वीर में स्मूथ मसल्स बहुत अच्छे से बताई गई है, तो जो अंदरूनी अज़ा होते हैं हमारे जिस्म के, उनमें ये उजलात पाए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैदा, आंत, खून की नालियाँ, रहम वगैरह। बताइए तो भला उजलात किस तरह अफाल अंजाम देते हैं, हमारे उजलात जो है वो किस तरह अफाल अंजाम देते हैं। हाँ, हमारे उजलात जो है वो इरादी और गैर इरादी तौर पर अपने अफाल जो है वो अंजाम देते रहते हैं। अब आप लोगों को क्या करना है बच्चों, मुट्ठी बंद किए बगैर हाथ को 180 डिग्री पर रखिए, बिल्कुल सीधा। कोहनी से आप क्या करना है, आपको 90 डिग्री पर हाथों को मोड़ना है। हाथ की उंगलियां कंधे पर टिकाइए और इस तरह करते हुए मोड़ते हुए आपको आपकी हाथ की उंगलियां कंधों पर टिका देना है, टच करना है। ऊपर की तीनों हरकत करते वक्त हाथ के किस हिस्से के उजलात सुकड़े और फैले, मुशाहिदा करके बताइए, हमारे हाथ के जो उजलात हैं वो, जो हमारे बाजू के जो ऊपरी उजलात होते हैं वो सुकड़ जाते हैं, है ना, और जिसकी वजह से हमारे बालाई बाजू में थोड़ी सख्ती पैदा हो जाती है, मसल्स उभर जाती हैं। तो हमारे बालाई बाजू में हड्डियों के ऊपर पाए जाने वाले उजलात दो सिरा और निचले हिस्से में पाए जाने वाले उजलात सह सिरा कहलाते हैं। हमारे बालाई बाजू में जो उजलात उभर कर आते हैं उसे हम कहेंगे बाइसेप्स, और जो बालाई बाजू में हड्डियों के निचले हिस्से में होते हैं उसे कहते हैं सह सिरा यानी ट्राइसेप्स कहलाते हैं।
तो हमारे जिस्म के उजलात जो है वो हर वक्त हमारी हरकत की वजह से फैलते और सिकुड़ते रहते हैं। इसी वजह से हमारे उजलात जो है वो अफाल अंजाम देते रहते हैं, हम मुख्तलिफ किस्म की हरकत करते रहते हैं, मुख्तलिफ काम करते रहते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोगों को तस्वीर के जरिए बताया गया है, जब हम हमारे हाथों को हरकत देते हुए 90 डिग्री पर कोहनी से मोड़ेंगे तो हमारी बाजू में, बालाई बाजू में, ऊपर के बाजू में जो मसल्स उभर कर आते हैं, फुकड़ जाते हैं और उसमें उभार पैदा हो जाता है, उसे हम कहेंगे बाइसेप्स, दो सिरा, और जो नीचे के बाजू में मसल्स उभर कर आते हैं उसे हम कहेंगे ट्राइसेप्स। देखिए किस तरह हरकत करना है, हमें पहले हाथों को 80 डिग्री पर रखना है और मुट्ठी बंद करते हुए हमें हाथों को 90 डिग्री पर मोड़कर अपने कंधों से उंगलियां टच कर देना है, तो जो मसल्स उभर कर आती हैं, जो मसल में सिकुड़ाव होता है वो ऊपर के बाजू में जो सिकुड़ाव होगा वो कहलाएगा बाइसेप्स, दो सिरा, और निचले बाजू में जो सिकुड़ाव होगा वो कहलाएगा ट्राइसेप्स, सहसिरा। आइए गौर करें क्या होगा, दिल के उजलात ने हरकत नहीं की, हमारे दिल के उजलात जो है वो हरकत करना बंद कर दें, क्या हो जाएगा बच्चों बताइए, आपको पता है हमारे दिल के उजलात जब हरकत करना बंद कर देंगे तो क्या होगा? हमारे दिल के उजलात हरकत करना बंद कर देंगे मतलब हम नहीं रहेंगे, है ना, हम मर जाएंगे, क्योंकि ये गैर इरादी होते हैं, मेदे में गिजा पहुंची मगर मेदे के उजलात ने कोई हरकत नहीं की। हमारे मेदे में गिजा पहुंच गई लेकिन मेदे के उजलात ने कोई हरकत नहीं की तो क्या होगा? इसकी हरकत नहीं मतलब हम जिंदा नहीं हैं, हम मर चुके हैं। तो ये जो हमारे दिल, मेदे, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स हैं, ये हमारे जिंदा रहने का काम करती है। जब तक हमारे जिस्म में जान रहेगी ये तमाम उजलात हमारे काम करते हैं, और जैसे ही जान खत्म हो जाती है ये तमाम उजलात जो है वो अपने अफाल अंजाम देना बंद कर देते हैं। तो हमेशा जहन में रखें बच्चों, जिस्म के उजलात का मजबूत और फाल होना जरूरी है, हमारे जो जिस्म के मसल्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और एक्टिव होना चाहिए। उजलात की नशोनुमा और उनकी झीज भरने के लिए, टूट फूट को पूरा करने के लिए हमारी खुराक में मुनासिब मकदार में प्रोटीन और नशास्ती अशकिया शामिल होनी चाहिए। हमें हेल्दी डाइट का इस्तेमाल करना चाहिए, पाबंदी से वर्जिश करने से उजलात मजबूत होते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोगों को वर्जिश के कुछ पोजेस बताए गए हैं जो हमारे उजलात को मजबूत बनाने, स्ट्रॉन्ग बनाने में हमारी हेल्प करेंगे। तो हमें पाबंदी से वर्जिश करना चाहिए, बैठते वक्त पीठ सीधी रखना चाहिए, कोब निकाल कर ना बैठें, कोब निकाल कर बैठने से आहिस्ता आहिस्ता रीढ़ की हड्डी के कुछ मनकों में तब्दीली पैदा होती है, पीठ और कंधों के उजलात में दर्द होता है और रीढ़ की हड्डी के मनकों की बीमारियों का इम्कान होता है। इसलिए हमेशा हमें स्ट्रेट बैठना चाहिए, हमारे पीठ जो है वो हमेशा सीधी होनी चाहिए। वर्जिश के दौरान दिल के उजलात की हरकत तेज होती है जिसकी वजह से अमले तनफ्फुस में तेजी आती है, नतीजे में जिस्म को भरपूर मिकदार में ऑक्सीजन और तजियाती मादे हासिल होते हैं, है ना। इसलिए हमें जो है वो वर्जिश के फौरन बाद जो है हमारी जो सांसें हैं वो बहुत जोर जोर से चलती हैं, हमारा दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। क्यों? क्योंकि हमारे उजलात की हरकत तेज हो जाती है, दिल के उजलात की, और अमल तनफ्फुस में भी तेजी आती है। इसकी वजह से हमारे जिस्म में भरपूर मिकदार में ऑक्सीजन और तजियाती मादे पहुंचने लगते हैं और जो हमारे जिस्म के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। इसलिए बच्चों पाबंदी से वर्जिश कीजिए, रोजाना भरपूर गिजा का इस्तेमाल कीजिए, गिजाइत वाली अशिया, हेल्दी डाइट इस्तेमाल कीजिए। होमवर्क, सवाल नंबर 1, बनावट के लिहाज से उजलात की कितनी किस्में हैं और कौन कौन सी? सवाल नंबर 2, हमवार उजलात जिस्म में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? सवाल नंबर 3,
गैर इरादी उजलात किसे कहते हैं? सवाल नंबर 4, हमें पाबंदी से वर्जिश क्यों करना चाहिए? इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को लिखना है। थैंक यू बच्चों। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आज के सेशन में आपने जो भी मालूमात हासिल की है उसका इस्तेमाल कीजिए, घर काम के सवाल को हल कीजिए और उसका फोटो व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिए, अपने टीचर से चेक करवाइए। फिर मिलते हैं हम अगले सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।